इस महाविद्यालय के पांच प्राचार्य और शायद वही अध्यक्षता कर रहे होंगे, इसलिए श्री अनुराग शुक्ला जी, हमारे शिक्षा विभाग की G20 की ब्रांड एम्बेसडर, जिन्होंने अपने कृतित्व से और व्यक्तित्व से यह स्थान पाया है और आज वक्तृत्व से भी यह सिद्ध किया है कि उचित चयन हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वो ऐसी महिला है जिन्होंने पहली उत्तर प्रदेश की जिन्होंने एवरेस्ट विजय किया है, सेना में स्क्वाड्रन लीडर नहीं है, एक विशेषता तो है ही, लेकिन प्रकृति को चुनौती देते हुए वहां पहुंची है और अब एक ज्वालामुखी की चुनौती देने जा रहे हैं कि उनको वहां पहुंचना है। कौन कहता है आसपास का सुराग है उसका, एक पत्थर तो तबीयत से उछल गया हो, इसके जीता जाता स्वरूप है। मंचपुरा से डॉक्टर रेणु सिंह जी, प्रोफेसर सुनीता रानी जी, क्षमा चतुर्वेदी जी और RBS के प्राचार्य डॉक्टर श्रीवास्तव जी, मैं इस महाविद्यालय का छात्र रहा और जब भी इस परिसर में प्रवेश करता हूं तो पुराने दिन याद आते हैं। एक उक्ति है कि इतिहास अपने को दोहराता है, लेकिन एक शायर इसको झुठलाता है, ये कहता है कि यह कहना है गलत कि इतिहास अपने को दोहराता है। इस उक्ति को झुठला रहा है वो अपने शेर में कि यह कहना है गलत इतिहास अपने को दोहराता है, कोई मेरी झूठ जवानी एक बार लौटा है। तो जब मैं उसको दोनों पंक्तियां पढ़ रहा था तो लगता था वो कभी आया ना, कभी पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा होगा तो कभी आया नहीं होगा, आता था उसकी जोश जवानी लौट आती जैसे मेरी लौट गया। यहाँ आते तो कुछ ही पेड़ की छाव, लॉन, कुछ आड़ मोड़ को कॉलेज की, मंदिर का चबूतरा जहाँ से भाषण देते थे उसका स्वरूप बदल गया। जब छात्रों को आह्वान करते थे छात्र एकता जिंदाबाद उस समय के प्राचार्य के खिलाफ, वहां से देते थे तो याद आता है कि उन रास्तों ने जिन पर कभी गांव जलते थे, गांव जलते थे साथ साथ चले थे, कि उन रास्तों पर जिन पर कभी साथ चले थे दोनों, मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर का। पुराने साथी याद आते हैं, पुराने किस्से कहानियां याद आती हैं और फिर यह भी गर्व होता है कि यह वो विद्यालय है जिसने मुझे सुकाम पहुंचाया है। इस बात को मुझे इस महाविद्यालय के द्वारा मैं बधाई देना चाहूंगा आयोजक सुनीता रानी की और आप रेणु सिंह जी कि एक दिन के अंतराल में ये कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। यह इनकी नेतृत्व क्षमता को बताता है और मुझे भी इस स्टेज पर आकर मालूम पड़ा कि कार्यक्रम का विषय क्या है, यानी आप समझिए कितनी तेजी से कार्यक्रम की घटना चली होगी। मैंने अपने पीएस से पूछा था, उसने लिख के दिया मुझे विकास में महिलाओं का नेतृत्व ये सेमिनार का विषय है। बहुत तेजी से घटनाक्रम चला। मैं विषय पे आता हूँ, फिर हमारे पुराने इतिहास से चले तो नारियों ने महिलाओं ने नेतृत्व किया है समाज को, हमारे देश को, हमारी संस्कृति। अगर ईश्वरी शक्तियों के रूप में देखें तो शिव की शक्ति है दुर्गा,
विष्णु की शक्ति है लक्ष्मी जी, दुर्गा जी लक्ष्मी जी, विद्या की देवी सरस्वती जी, ये सब महिलाओं के प्रतीक है, नारी शक्ति का प्रतीक है और जो हमारे लिए आराध्या है। सीता जी का अपना इतिहास, जिन्होंने अपने बेटे लव कुश को ऐसा तैयार किया कि जो कथन है हमारे यहां पर कि जब जब सत्ता संतों से टकराई है सत्ता ने नहीं खाई, और संत के रूप में जब लव कुश टकराए थे अपने पिता राज सत्ता से तो राज सत्ता ने मुंह खाई थी कि सीता जी ने थी। उस संस्कृति को प्रज्वलित करे रखना, उसको जिंदा रखना, उसको दिशा देना, ये सीता मैया होती है। राधा आह्लादनी शक्ति कृष्ण जी, हम सब क्षेत्र के लोग हैं जानते हैं, राधे राधे बोले चले भजन गाते हैं, यानी त्रिलोक के अधिष्ठाता उनकी आह्लादनी शक्ति राधा, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। तो पौराणिक काल से ही नारी शक्ति हमारे लिए पूजनीय रही है, वंदनीय रही है और दिशा निर्देशन करने वाली रही है। हम उस संस्कृति के पुजारी हैं, उस संस्कृति के वारिस हैं। नारी तुम केवल एक श्रद्धा हो, विश्वास जग प्रपंच तक में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सूत्र संतन में। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां आज भी प्रेरणा देती है कि नारी एक शक्ति है, हम लोगों की श्रद्धा है। लेकिन एक काल ऐसा आया 900 साल गुलामी के बीते हैं, इस देश ने संस्कृति ने 900 साल गुलामी में जीता है। विदेशी आक्रांताओं ने आकर संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की लेकिन मिटी नहीं। कुछ बात ऐसी की हस्ती मिटती नहीं हमारी, बरसों रहा है दुश्मन तुम्हारे जहां पर। वो बात कौन सी है? वो बात यही है, इस देश की नारी ने इस संस्कृति को संभाल के रखा। आज भी हम देखते हैं मंदिर हम कम जाते होंगे, अभी श्रीमती जया जाता ज्यादा जाते हैं। तीज त्योहारों के जो पौराणिक कल्चर है जिसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, जो ऋषि मुनि ने तपस्या करके दी है, उसकी वाहक नारी बनी हुई है आज तक। जो आने वाली संतति को सौंपते चले आ रहे हैं इतने दिनों से लगातार, हमारी श्रीमती जी ने अपनी सास से सीखी, हमारी माता जी ने अपनी सास से सीखी, ये कुछ बात हो, ये बात जो शायद लिखता है कुछ बात ऐसी हस्ती बढ़ती नहीं हमारी, वो ये बात, ये हमारी प्रेरणा है। अभी जिक्र कर रही थी अपाला गार्गी, कितनी विदुषी महिला है, वो कौन सा पीरियड रहा जहाँ पर बैठे हुए अभी कई लोगों से पूछे अपाला गार्गी के बारे में बताओ तो शायद बता नहीं पाएंगे, वो कौन सा पीरियड रहा जिन्होंने इस हमारी शक्ति को हमारे इस आत्मा को हमसे छीना था। वो संस्कृति ने बहुत कोशिश की, शिक्षा में बदलाव करने की कोशिश की, और जब शिक्षा बदली तो फिर हम अपने पूर्वजों को भूलने लगे। लॉर्ड मैकाले की दी हुई शिक्षा पद्धति, जिसने जिसके पिता ने जब उस लॉर्ड मैकाले हिंदुस्तान से वापस इंग्लैंड गया है तो पूछा तुम क्या कर गया है, उसकी उस भावना को समझिए। वो अपने देश की है, उसकी भावना अपने देश के लिए होना चाहिए, अपने देश के लिए वो जज्बा
लेकिन हमारे अंदर भी उस जज्बा होना चाहिए कि ऐसे षड्यंत्रकारियों को मिटा सकें। उसने अपने पिता से कहा, मैं शिक्षा की वो पद्धति दे के जा रहा हूँ जिससे उस देश में काले अंग्रेज पैदा हो गए, तो भूल जाएंगे अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, काले अंग्रेज पैदा होंगे, आगे अंग्रेजियत वहां गई, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत आज भी जिंदा थी। अच्छे से अच्छे विद्वान को अगर हिंदी बोलते हुए सुनेंगे तो शायद उसे इग्नोर करेंगे, और अंग्रेजी टूटी फूटी बोलता उसको पढ़ा जाता है, ये शिक्षा है। तो जब बच्चा पढ़ता है और किसी गांव का अपने पिता को धोती कुर्ता पहन के देखता हो तो सोचता मेरा पिता जेंटलमैन है, ये अवचेतन में बात रम जाती है, वो शिक्षा ये करती है। उन्होंने किया, आज मेरे नेता ने शिक्षा पद्धति को बदला है, क्योंकि बहुत दिनों से मांग चल रही थी, हम भी विद्यार्थी के दम मांग करते थे शिक्षा पद्धति बदलाव होना चाहिए, शिक्षा पद्धति बदलनी चाहिए। जो बदलनी चाहिए कहते थे विद्यार्थी परिषद के अलावा किसी पर ब्लू प्रिंट नहीं था, और जो कहते थे बदलेंगे उनके पास भी ब्लू प्रिंट नहीं था, कि सोच नहीं थी, विजन नहीं था। आज एक विजनरी नेता मिला इस देश को, उसने पूरी शिक्षा पद्धति को बदल दिया है, और आने वाले समय में भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक अतीत से जुड़े हुए, वर्तमान को संवारते हुए और भविष्य को निखारते हुए शिक्षा होगी, अतीत से और आधुनिकता से जुड़ी हुई, यानी उसके मूल बिंदु में है। शिक्षा को संस्कार से जोड़ा है, शिक्षा को रोजगार से जोड़ा है, शिक्षा को तकनीक से जोड़ा है, इस मूल बिंदु पर पूरी शिक्षा नीति 2020 चल रही है। इसमें भी शिक्षा नीति बनाने में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, जिस टीम ने बनाई है, बहुत बड़ा नेतृत्व दिया है महिलाओं ने। अभी शिवाजी महाराज की बात हो रही थी, शिवाजी महाराज का एक चैप्टर आगरा में है, उनके बुद्धि कौशल का, राजनीतिक चतुरता का, शौर्य का, कार्य योजना बनाने की विलक्षण क्षमता का, और योजना बनाना नहीं उसको कार्यान्वयन कर ले जाने की अद्भुत प्रतिभा का एक चैप्टर आगरा से जुड़ा है। खटकता है उनको कृष्ण, क्यों मुगलिया ध्वज लहरा रहा है, क्यों नहीं भगवान ध्वज लहरा रहा है, बुलाती है शिवाजी को, चौरस खेलती है, हार जाते हैं शिवाजी माँ से, कहती है कि अब तुम हार गए हो, मुझे चाहिए सिंगड़ चाहिए। ये प्रेरणा है मातृशक्ति, शिवाजी महाराज निकलते हैं, अपनी सेना को भेजते हैं, सिंगल पर भगवा ध्वज लहराते हैं, यह जीजाबाई है जिन्होंने शिवाजी बनाया था, इस देश को जीजाबाई चाहिए। छोड़ दिया सब कुछ सीता जी ने समाज के लिए, समाज के लिए एक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति ने आवाज उठाई, सीता जी ने छोड़ा है, नया भारत का निर्माण किया, नई नई संतति का निर्माण किया, जिसने बाप को चुनौती दी थी, गलत चुनौती थी, बाप को चुनौती देना अदरवाइज नहीं कीजिए, उस सत्ता को चुनौती दी, सब जो सत्ता अपने को तम में डूब रही थी, जैसा वो सोच रहे थे दोनों योगी बाबा, ये मातृशक्ति है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति देखते हैं जब उस चौराहे पर लगी हुई, पीठ में बच्चा, घोड़े में सवार, सलवार हाथ में, धोती और ऊंचा बना दी है, अपने बच्चे को लंबी श्रद्धा है ऐसे जो हमारी प्रेरणा है, नेतृत्व दे सकती है,
लेकिन जो बीच में काल आया उसने उनको यह मजबूरी में क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी थी संभाल रहता था और या उस संस्कृति जो धोबी लगाई थी उससे मैदान को घर के अंदर गया तब हमारे जुड़ी आगे बढ़ जाएगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मेरे पिता ने मेरे लिए कहा था उसे मालूम था कि इस देश की धारा शक्ति में और कैसे चल रहा है पूरा वातावरण बेटी बचाओ बेटा पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ वो जानते थे कि एक बच्ची पढ़ती है तो तीन गुण सुधरते हैं एक बेटे के पढ़ने से या सुधरने से एक गुण सुधरता है लेकिन बेटी के पढ़ने से तीन गुण सुधरते हैं इस मूल मंत्र को जानते हैं मेरे इसका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो समय बेटी हो रहा था एक दौड़ चलने लगा था गर्भपात का वो एक आह्वान किया पहला आह्वान उसके आगे बढ़ के महिला सशक्तिकरण महिलाओं की भागीदारी हो इसका आह्वान किया उन्होंने और आज आह्वान किया है जानते हैं वो महिला शक्ति को कि देश का नेतृत्व भी महिला संभाले है पीढ़ में नेतृत्व संभाले नेतृत्व की क्षमता को जानते हैं इसलिए उन्होंने नेतृत्व क्षमता के लिए कहा है ये दिया आप लोग इसे इंतजार करके एक विषय रखा है आपने समाज के सामने ये मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाना है G20 में हम सबको गौरव हासिल है 20 देशों की एक सम्मेलन हिंदुस्तान में हो रहा है एक बड़ी बात और उसका अध्यक्षता हमारा नेता मोदी करेगा हमारे लिए गर्व की कभी पूछता नहीं था जब कोई भारत को कितना बड़ा परिवर्तन किया है उन्होंने इस देश में पूछता नहीं था मैं भी नीदरलैंड और पेरिस गया था जब मैं बताया कि मैं भारत से हूं फ्रॉम मोदी कंट्री सीना 56 जी का हो गया हम उस देश के वासी हैं देश का मोदी नेता तो इसलिए G20 में जब वो अध्यक्षता कर रहे हैं तो G20 कितना बड़ा परिवर्तन करेगा देश के आने वाले भविष्य में ये सब समझाने की जरूरत आने वाली नस्लों को इसलिए महाविद्यालय महाविद्यालय में इसकी सेमिनार्स हो रही है विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है योग आज विश्व का लगभग 170 देश हैं जो 21 जून को योग करते हैं विश्व गुरु बन गया हिंदुस्तान जिस दिन योग शुरू हुआ था मुस्लिम कंट्रीज में हुआ क्योंकि योग किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है स्वास्थ्य और शरीर से जुड़ा हुआ है मजहब का कोई बैर नहीं है मानसिकता से बैर है जो हर चीज को गलत मानसिकता से जोड़ते हैं उनसे हमारी लड़ाई अब साफ कहना चाहते हैं हम खुले मंच में बैठे मजहब से लड़ाई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ कर हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा वतन हिंदुस्तान हमारा ये दूसरे में सीखा है तो इसलिए मित्रों जब देश बदल रहा है देश अपन आगे बढ़ रहा है नेतृत्व दे रहा है विश्व को पहले देश पिछड़ रहा था वह दौर भी हमने देखा वह दौर भी देखा कि जब बाहर किसी देश में हम हिंदुस्तान से आए ये कहने में शर्म महसूस करता था हिंदुस्तानी और आज भी देखा जब वो कह रहे हिंदुस्तान से आए और मोदी संतरी कितना बड़ा परिवर्तन है ये बदलाव नहीं है अब नया नेतृत्व है हमारे हमारा देश जो विश्व नेतृत्व थे G20 में उसको नेतृत्व मिलना उसकी अगुवाई करना
महिलाओं में भी उसकी भागीदारी होनी चाहिए, सुनिश्चित है और मोदी जी कर रहे हैं। आप सबने एक अच्छे विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, यद्यपि बस मंच पर बैठ के मुझे विषय समझाया दिया गया था, लिखा हुआ रखा है, जो कुछ मैं बोल सका वो बोल गया। मुझे और कार्यक्रम में भी जाना है। धन्यवाद।